भीलवाड़ा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने बुधवार को छात्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर करियर गाइडेंस प्रोग्राम के तहत सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित कई अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान बच्चों के सवालों का भी जवाब दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सवालों के जवाब देकर उन्हें सम्मानित भी किया। बच्चों ने जिला कलेक्टर मोदी को तस्वीर भी भेंट की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आशीष मोदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, एडीएम प्रशासन डॉक्टर राजेश गोयल, आईएएस प्रशिक्षु गौरव बुड़ानिया, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा छिपा, जिला रसद अधिकारी निर्मा विश्नोई, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी योगेश चंद्र पारिक और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महावीर कुमार शर्मा मंच पर मौजूद थे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि जिले की 11 मॉडल स्कूलों के 550 बच्चे सेमिनार में भाग लेने पहुंचे हैं, जिन्हें करियर संबंधित जानकारी प्रदान की गई है, जिससे आगामी समय में वह अपने भविष्य को बेहतर बना सके। भीलवाड़ा के मॉडल स्कूल के बाकी के बच्चों को यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग के सेशन के लिए बुलाया गया, जिसमें सभी टीम्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा काउंसिल किया गया। साथ ही जिले में पदस्थापित DLOs और प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा भी उनको अपनी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया। बच्चों के कुछ सवाल थे उनके जहन में, उसको क्लियर किया गया। और मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव से बच्चों को अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए और अच्छा मार्ग मिलेगा, उनको और क्लैरिटी मिलेगी और उनके कैरियर की ग्रोथ में हेल्प होगी। ये कार्यक्रम पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी सब डिविजन में किए जा रहे हैं, सब डिविजनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कार्यक्रम किया गया था। बच्चों में जो सवाल होते हैं वो कच्चे घड़े की तरह होते हैं, उनके सवालों को जवाब देना और उनको गाइड करना ज़रूरी होता है, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम। आज जो कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम रखा है गवर्नमेंट ने, आज किस क्षेत्र में आप पधारे हैं, कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपके, और पहले क्या मन में था, और आज जो कलेक्टर साहब ने सवालों का जवाब दिया है, बच्चों के साथ रूबरू हुए, इसके बाद कितना जीवन में बदलाव आएगा? मैं SCGM जहाजपुर मॉडल स्कूल से आई हूँ। मेरा नाम इतिशा मीणा है एंड मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मेरा स्ट्रीम साइंस मैथ है। पहले भी मुझे आई आई टी में जाना था, और अब मतलब पहले मैं डीमोटिवेटेड था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे IIT में ही जाना है, लेकिन अब सर से बात करके, सर की बातें सुन के, उनके इतना समझ में आया कि हाँ, जो अपन करना चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब डीमोटिवेट होते रहे उन बातों से, या कोई कुछ कहे कि तुम नहीं कर सकते हो, कम मार्क्स आए तो उससे डरे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं, हम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ये बदलाव आया मेरे खुद के लिए, तो कि हाँ, मुझे ये करना है और मैं ये करूँ, कर सकती हूँ। क्या इसी प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए जो कैरियर के संदर्भ में जो बच्चे मोटिवेट भी होवे, दूसरा है कि जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र की जानकारी पूरी मिल जावे? जी सर, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि जो डीमोटिवेट होते हैं बच्चे, वो ये सब सुन के और समझ के